नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कृषि उपज मंडी में बनी हुई दुकानों को लेकर विवाद सामने आया है। लोगों से रिश्वत मांगी जा रही है, लोगों ने इस बाबत शिकायत की है। उनका कहना है कि यहां पर 67 दुकानें थोक व्यापारियों के लिए बनी थी, जिनकी नीलामी पिछली बार की गई थी, जिसमें 11 दुकानें अलॉट की गई थी और उसके बाद फिर अभी हाल ही में 26 जून को एक नीलामी हुई, लेकिन इसके बाद लगभग 5 दुकानें गुपचुप तरीके से अपने लोगों को चिन्हित करके दे दी गई हैं। साथ ही साथ जो दुकानों की नीलामी के लिए रसीद कटाई जा रही है 27,000 की, उसमें भी 20,000 रुपए की अतिरिक्त मांग की जा रही है। इसके अलावा अन्य पैसों की मांग भी लगातार जारी है। लोगों ने कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष और सचिव पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं और दुकानों को गुपचुप तरीके से अपने ही लोगों को अलॉट करने का आरोप भी लगाया है। समस्या ये है कि हम सब्जी और फल के थोक विक्रेता हैं, तो हम लोगों को सब्जी मंडी, कृषि उपज मंडी में दुकानें अलाट हुई थी। अभी 26 तारीख में नीलामी हुई थी उसको, तो ये मंडी अध्यक्ष और मंडी सचिव इन लोगों ने हम लोगों को दुकानें अलाट करने के बाद, जो 26 तारीख में नीलामी हुई थी उसके बाद 5 दुकानें और अलाट कर दी बगैर बताए हुए। अब हमको दुकान और हमारे पास और लाइसेंस है 4, हमको दुकानें अलाट कराना है तो बोलते हैं कि 20,000 रुपये लेके आओ जब दुकान अलाट करेंगे। लाइसेंस बनवाना है तो बोलते हैं कि 10,000 रुपये लेके आओ तो लाइसेंस बनाएंगे। कौन बोलता है आपने? मंडी सचिव बोलते हैं, मंडी अध्यक्ष बोलते हैं और वहाँ के और जो अधिकारी लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान एवं मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निशुल्क प्रवेश के लिए अब संपर्क कर सकते हैं 30 जून तक। वंचित समूह या कमजोर वर्ग के 3 से 7 वर्ष के बच्चे उन गैर अनुदान प्राप्त और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों जिनके पड़ोस की बसाहटों में वे रहते हैं, उनकी कक्षा केजी नर्सरी और स्कूल की प्रथम कक्षा में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। वंचित समूह में शामिल हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवाररत, विमुक्त जाति, निशक्त और HIV ग्रस्त या प्रभावित बच्चे। इसके अलावा कमजोर वर्ग में BPL कार्ड और अंत्योदय कार्ड धारक। प्रवेश के लिए आवेदन पत्र दिनांक 30 जून 2018 तक निःशुल्क उपलब्ध है। संपर्क करें जन शिक्षा केंद्र, जिला शिक्षा केंद्र अधिकारी, जिला शिक्षा केंद्र कार्यालय या फिर www.educationportal.mp.gov.in पर भी ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध है। याद रखें, आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2018 है। आवेदक 30 जून तक स्वयं पोर्टल पर जाकर निर्धारित फार्म में पंजीयन कर सकते हैं। फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन संबंधित विकास खंड के जनपद शिक्षा केंद्र यानी BRC कार्यालय में स्थापित निशुल्क हेल्प डेस्क की सहायता से भी किया जा सकता है। जनहित में जिला शिक्षा केंद्र छतरपुर मध्य प्रदेश द्वारा जारी।